आइसलैंड से जहां पर चौथी बार फटा है ज्वालामुखी, 100 दिन से भी कम वक्त में ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहता हुआ नजर आ रहा है आग का दरिया, लावा आप देखिए किस तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है आइसलैंड के इस ज्वालामुखी से। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आइसलैंड की, और बड़ी बात यह है कि 100 दिन के भीतर यानी करीब 3 महीने में ये दूसरी बार ऐसा है जब ये ज्वालामुखी फटा है और चौथी बार ज्वालामुखी विस्फोट ये हुआ है। और इसके बाद किस तरह चारों तरफ आपको आग का दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है, लावा ही लावा चारों तरफ नजर आ रहा है जो ज्वालामुखी से लगातार बाहर निकल रहा है। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है मेक्सिको से, जहां पर पशुओं के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पशुओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे। तो पशुओं पर अत्याचार रोकने की मांग, और ये तस्वीरें मेक्सिको की जहां पर बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पशुओं के अधिकार और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे थे, पशुओं का मुखौटा लगाकर। ये देखिए प्रदर्शनकारी आपको नजर भी आ रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूस में मनाया गया मालसे नित्सा उत्सव, 22 मीटर ऊंचे ब्लैक माउंटेन को जलाया गया है, ब्लैक माउंटेन से उठती दिखी आग की लपटें। और आज की अगली वीडियो ब्रेकिंग, लीबियाई तट रक्षक फोर्स ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कैमरे पर समुद्र में 146 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैद हुआ, तस्वीरों में बोट पर सवार लीबियाई फोर्स ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं अरब सागर की तस्वीरें, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना का पराक्रम देखने को मिला है। एक और ये वीडियो सामने आया है भारतीय सेना के ऑपरेशन का, ये नया वीडियो है सोमालिया के समुद्री डाकुओं से शिप को कैसे आजाद करवाया गया, ये उसका एक और ताजा वीडियो। बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज को भारतीय सेना ने 40 घंटे लंबे चले ऑपरेशन के बाद चंगुल से छुड़ाया था सोमालिया लुटेरों के। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन से, स्पेन में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, यूरोपीय संघ की नीतियों का किया विरोध, मैड्रिड में निकाला ट्रैक्टर मार्च। तो मैड्रिड में किसानों का मार्च, ये तस्वीरें मैड्रिड से जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, कोलकाता में 5 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं। कोलकाता में इमारत गिरने का टॉप एंगल वीडियो भी सामने आया, हादसे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आज की 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, कार मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर बनाना पड़ा महंगा, अंबेडकर नगर में पुलिस एक्शन, सीज की गई कार, 2 भाइयों ने चौपर से दुल्हन लाने की इच्छा के लिए कार को मॉडिफाई किया था। आज की 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, मथुरा के बरसाना में 20 क्विंटल लड्डुओं की होली समारोह, लाडली मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर लट्टू मार होली खेली, 5 लाख भक्तों ने जमकर उड़ाया गुलाल। अभी आज की 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, ओडिशा के मयूरभंज में अफीम की फसल नष्ट,
अवैध रूप से उगाई गई अफीम को जलाया गया। करीब 13 करोड़ रुपए की अफीम को जलाया गया। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने उतरी। गाजा पट्टी में आईडीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सुरंगों का बड़ा नेटवर्क किया गया था हसन है। आईडीएफ का दावा, 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया गया। देखिए गाजा में भीषण विस्फोट और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। युद्ध विराम का इंतजार कर रहे हैं लोग। हमास ने मध्यस्थों को 3 चरण की योजना का नया प्रस्ताव मिला है। नए सिरे से बात के लिए कतर जा रहे हैं इजरायली वार्ताकार। और आज की 5वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का भीषण हमला। जबाल ब्लाट इलाके में हिजबुल्ला का ठिकाना तबाह किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने दक्षिण लेबनान की है, जहां पर इजरायल की आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला किया गया हिजबुल्ला के ठिकानों पर। जबाल ब्लाट इलाका है ये, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्ला जो कि लगातार आईडीएफ को निशाना बना रहा है, उस हिजबुल्ला का ठिकाना तबाह किया गया। ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। और आज की 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। दक्षिण लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। अल खियाम में हिजबुल्ला का रॉकेट लॉन्चर तबाह हुआ। और आज की 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इजरायल के तेल अवीव में सड़क पर जाम किया प्रदर्शनकारियों ने, बंधकों के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 महीने से हमास की कैद में है ये बंधक। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन का इज्यूम शहर पूरी तरह से तबाह। ज्यादातर लोग दूसरे शहर में विस्थापित हो गए हैं। रूस ने इज्यूम पर बरसाई थी कई मिसाइलें। और 19वीं वीडियो ब्रेकिंग आज की आपको दिखाते हैं। रूस की स्विजान ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट। रूस के तीसरे सबसे बड़े ऑयल प्लांट पर हमला। रूस के रोसनेफ्ट प्लांट पर भी ड्रोन अटैक। समारा के गवर्नर ने की हमले की पुष्टि। रूसी रिफाइनरी प्लांट पर लगातार हमले। आज की 20वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। किलर ड्रोन के हमले में रूस का MiH हेलीकॉप्टर नष्ट। फिदाइन ड्रोन अटैक से रूस का हेलीकॉप्टर हुआ धुआं धुआं। आज की 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने नोवो मिखाइलिव का क्षेत्र में रूसी हमला नाकाम किया। आज की 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला। रूसी पोस्ट को ग्रेनेड अटैक से उड़ाया। रशियन पोजीशन पर किया पिन पॉइंट अटैक। आज की 23वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन के वेपन डिपो पर रूसी सेना की स्ट्राइक। रूसी सेना की गोलीबारी से वेपन डिपो ध्वस्त। विदेशी हथियारों का गोदाम तबाह। यूक्रेन को युद्ध में लगा बड़ा झटका। आज की 24वीं वीडियो ब्रेकिंग। कब्जाधारी चीन का समुद्र में युद्धाभ्यास। पीएलए नेवी कर रही है वॉर एक्सरसाइज। ईस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों का युद्धाभ्यास। इस वॉर ड्रिल में कई वॉरशिप और फ्रिगेट शामिल।